नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अम्बाला ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर अम्बाला रेलवे स्टेशन के बाहर 506 ग्राम अफीम बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ज्यादा जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह एचपीएस हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अम्बाला एवं यूनिट अम्बाला प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सहायक सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार के नेतृत्व में एचएनसीबी यूनिट अम्बाला की एक टीम नशा पड़ताल के लिए बस स्टैंड अम्बाला छावनी पर मौजूद थे। तभी एक खास मुखबिर ने बताया कि मोहम्मद नाजीर पुत्र साबिर वासी कलेरीबार जिला चतरा झारखंड का व्यक्ति नशा बेचने का काम करता है और वही अम्बाला कैंट के सामने पुल के नीचे अफीम बेच रहा है। तुरंत रेड की जाए तो माल समेत ये काबू आ सकता है। तुरंत साथी कर्मचारियों की मदद से काबू कर आरोपी से मौके पर राजपत्रित अधिकारी अंकित कुमार डिविजनल सोयल कंजर्वेटर ऑफिस को बुलाकर तलाशी ली गई तो आरोपी से 506 ग्राम अफीम बरामद हुई। हरियाणा एनसीबी यूनिट अम्बाला के इंचार्ज उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी को माननीय अदालत से पुलिस रिमांड पर लेकर इस अफीम के बारे में गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी कि अफीम कहां से लेकर आया था और कहां सप्लाई की जानी थी। किसी भी हाल में इस मामले में शामिल अन्य आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। आरोपी के खिलाफ इस संबंध में थाना पड़ाव में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया। हमने अभी 506 ग्राम अफीम बख्शी है। ये एक झारखंड से है, चतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जोरी थाना में गांव कैलीबर, वहां का रहने वाला बता रहा है अपने आपको नाजिर पुत्र साबिर। तो ये हमें शक के आधार पर लगा कि कहीं जाएगा या फिराक में है नशीला पदार्थ बेचने की, तो उसको चेक किया गया तो उस दौरान हमें इससे ये अफीम बरामद जा रहा था डिलीवरी। तो पीछे से ये इतने शातिर होते हैं कि पीछे से जिससे लेके आया वो आगे इसको फ़ोन पे संपर्क करके बता रहा है कि आप यहाँ उतरे हैं, ऐसे उतरे हैं, ऐसे उतरे, लोकेशन वो दे रहा है यानी कि। तो उनका वो होता है ग्रुप, तो इसको नेक्सस को तोड़ने के लिए माननीय हमारे एडीजीपी साहब श्री ओपी सिंह जी के दिशा निर्देशानुसार और एसपी हैं श्री शशांक चावन जी और दीपिका खट्टर मैडम और डीएसपी हैं हमारे जगवीर सिंह जी, उनके निर्देशानुसार ये कार्य हम सुचारू रूप से कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। इसकी आगामी 30 पड़ाव थाने द्वारा हमले में लाई जाएगी, जिसकी एसआई अपना बलकार सिंह जी को सौंपी गई है, वो करेंगे कार्रवाई। जैसी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से हूँ मैं, एएसआई संदीप कुमार मेरा नाम है।